दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में भाजपा के पदाधिकारियों एवं विधायकों के साथ बैठक किया और पार्टी प्रत्याशी को विजय श्री दिलाने की रणनीति तैयार की। इस दौरान गोरखपुर सदर लोकसभा के प्रत्याशी रवि किशन भी मौजूद रहे। बैठक के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ महाराज की पूजा अर्चना किया और आजमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए रवाना हो गए। बैठक के संबंध में गोरखपुर नीति से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व पार्टी के स्टार प्रचारक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, पीने के लिए पेठा उठा ये सब व्यवस्था रखा जाएगा, पानी तैयार रखा जाएगा। महाराज की प्रतिष्ठा है, आपकी प्रतिष्ठा है, इस बार अच्छा लगा मैं क्या हरे खुल मत देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे हैं, इसलिए हर विधानसभा क्षेत्रों में कौन प्रमुख रूप से जिम्मेदार रूप में लगता है ऐसे सबको उनकी जानकारी है। इसलिए ऐसे प्रमुख लोगों को हर विधानसभा के 5-5, 6-6 लोगों को विधायक सहित उनको बुलवाया गया था और कहां कहां कार्यालय खुलेंगे, कहां कहां जनसंपर्क होंगे, कहां कहां संपर्क की योजना बनेगी, गाड़ियां चलेंगी, इसकी पूरी प्लानिंग योजना रचना उन्होंने सबको जिम्मेदारी सौंपी है ताकि जा कर के आज से उसका संचालन शुरू कराएँ। इसी दृष्टि से आज ये महत्वपूर्ण बैठक थी। लगभग हर विधानसभा में 3 कार्यालय खुलेंगे और प्रत्येक गांव में घर घर संपर्क की योजना, प्रत्याशी के जनसंपर्क की योजना, अलग अलग प्रत्याशी को एक दिन में न्याय पंचायत वार 15-20 जगहों पर जाने की व्यवस्था, गांव में जाने की व्यवस्था, उसकी पूरी प्लानिंग योजना रचना और सुबह और शाम गोरखपुर महानगर में संपर्क की योजना, इसकी पूरी योजना रचना, कंक्रीट योजना पूरे लोकसभा की दृष्टि से सभी विधानसभा में अलग अलग आज बनाई गई है और गोरखपुर महानगर की उसकी दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवश्यक दिशा निर्देश सभी लोगों को दिया है। प्रत्याशी कोई नया हो या उसे को असर नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी की पूरी 5 साल प्लानिंग है, बूथ लेवल तक उसके कार्यकर्ताओं की एक टोली है और उसके दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी महाराज स्वयं यहाँ मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के सांसद रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी और कमल के फूल को लेकर के ये पूरी प्लानिंग है। प्रत्याशी को भी एक टीम लगा दी गई है, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, उस टीम के साथ प्रत्याशी की पूरी प्लानिंग 3 दिन का कार्यक्रम की चाकआउट पहले से कर दिया जाएगा और वो उसी के अनुसार पूरे नगर में और ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण का कार्यक्रम, सभाओं का कार्यक्रम पूरे प्लानिंग के साथ करेंगे, कहीं कोई इसका संकट नहीं।